अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको सस्ता तरीन उमरा ग्रुप के बारे में बताने लगा हूं और ये स्पेशली फैसलाबाद वालों के लिए और इससे मुलहिका जो इलाके हैं, देहात हैं या शहर है करीब करीब फैसलाबाद पाकिस्तान के, उनके लिए ये खासकर वीडियो है। या फिर ऐसे दोस्त जो ग्रुप उमरा में सस्ता तरीन उमरा हासिल करके अभी जुलाई में जाना चाहते हैं और उनके जानने वाले रिलेटिव फैसलाबाद में मौजूद हैं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप दोस्त कराची या लाहौर या इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात किसी दूर दराज इलाकों से है, तो फिर आपको मैं जो आसफ जट भाई हैं इनका मोबाइल नंबर और इनके ट्रैवल ऑफिस का बताऊंगा, तो आप इतनी दूर से इनके ऑफिस तक पहुंच नहीं पाएंगे और मोबाइल पे या ऑनलाइन वैसे भी मुनासिब नहीं है पेमेंट करना, और दूसरा हो सकता है कि आपकी तसल्ली ना हो। इसीलिए अभी से रिक्वेस्ट है कि जो फैसलाबाद में जिनके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, या फिर आप फिजिकली चल के फैसलाबाद आ सकते हैं, तो फिर आपके लिए वीडियो है, क्योंकि आप सस्ता तरीन ग्रुप उमरा हासिल करने के लिए जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी और लोड शेडिंग में मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ ताकि मेरे भाइयों का फ़ायदा हो जाए। तो आप, ये सारा पसीना मुझे आया हुआ इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यकीन कीजिएगा कि बड़ी मुश्किल से और रिसर्च करके और अथेंटिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे भाइयों का, बहनों का भला हो जाएगा, मेरे लिए यही बहुत ज्यादा काफी है। तो फ्रेंड्स, ये मैं नंबर परमानेंट चला देता हूँ। इधर जनाब आसिफ जट साहब का नंबर है, ये आसिफ जट साहब कारवाने रहमत ट्रेवल्स एंड टूवर्स फैसलाबाद के ऑनर हैं, और ये हर साल मुहर्रमुल हराम जैसे ही उमरा शुरू होता है ये उमरा ग्रुप लेकर जाते हैं, और हर 20-25 दिन के बाद उमरा ग्रुप जाता है, 25 लोगों का, 50 लोगों का, 40 लोगों का, डिफरेंट ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है। तो इस दफा ये ग्रुप 31 जुलाई को सऊदी अरबिया में जा रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि हो सकता है कि ओनर आसिफ जट साहब खुद ग्रुप के साथ जाएं, या कोई ना कोई अपना जानने वाला करीबी जो है वो लीडर के तौर पर ग्रुप के साथ जाए। लिहाजा जो भी सस्ता तरीन ग्रुप उमरा करना चाहता है उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी आसिफ जट साहब से कारवाने रहमत ट्रेवल एंड टूर्स वालों के साथ राबता कर लें। फैसलाबाद में इनका दफ्तर है, इनका ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी करेंगे मे भी रिसीव कर लें, लेकिन मसरूफियत की वजह से व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दे देंगे। याद रखिएगा कि आसिफ भाई की ट्रेवल की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और ये हर साल तकरीबन गुज़श्ता 8-10 सालों से उमरा पर लेकर जाते हैं, और हर महीने में एक टूर लाजमी ग्रुप की सूरत में जाता है, लिहाजा इनका बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा है और बाइतमाद इदारा है। उसकी वजह यह है कि जो इनके तवस्त से ग्रुप उमरा के साथ जाता है वो दोबारा ना सिर्फ खुद दोबारा से जाता है बल्कि अपने फैमिली रिलेटिव्स को भी इनका ऑफिस रिकमेंड करता है। अगर आपको ऑफिस के बारे में किसी भी किस्म की मालूम चाहिए हो तो आप इनसे राबता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल विजिट वीज़ा, जो 1 ईयर वीज़ा होता है, वो चाहते हैं, कोई फैमिली विजिट वीज़ा चाहते हैं, या इंडिविजुअल तौर पर भी उमरा अदा करना चाहते हैं, तो अकेले भी आप उमरा अदा कर सकते हैं, आप आसिफ भाई से राबता कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो चाहते हैं, फ़र्ज़ करें किसी का सिटी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या गुजरांवाला, सियालकोट या लाहौर है, वो चाहता है कि मैं लाहौर से ही जाऊँ, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसको ये बेहतर रहेगा वो लाहौर से चला जाए, वो आपको तमाम तर चार्जेस बता देंगे। लेकिन अगर ग्रुप की सूरत में जाना चाहते हैं फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि इनके साथ ही ग्रुप में जाएं, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जाने से लेकर वापसी तक किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रुप का रेट इंतहाई मुनासिब होगा, हर जगह पर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, और सऊदी अरबिया में जिस होटल में आपको ठहराएंगे बहुत बेहतरीन होटल होगा, इनके तल्लक वाले होंगे, इनके जानने वाले, कोई भी मसला आपको पेश आएगा ये भाई साथ होंगे, फौरी तौर पे आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे। दूसरा, ग्रुप की सूरत में जाने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपको रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो ग्रुप की सूरत में ही मिल जाता है, मतलब आपको अलग से जो परमिट लेना इतना मुश्किल है वो परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ग्रुप की सूरत में अगर आप जाएंगे तो जो आपकी टिकट होगी तारीख, एग्जैक्ट उसी डेट को आपने हर सूरत में जाना होता है, और जो वापसी की टिकट होती है एग्जैक्ट उसी डेट में वापस आना होता है, ये तारीख एक्सटेंड भी नहीं होती, मतलब बढ़ाई नहीं जा सकती। और अगर आप टिकट कैंसिल करवाना चाहें या अपना प्लान कैंसिल करवाना चाहें जबकि आप अपना होटल भी बुकिंग करवा बैठे हों और टिकट भी बुकिंग करवा बैठे हों, तो फिर ये चीज़ भी नॉन रिफंडेबल होती है। लिहाजा आपने मुकम्मल प्लानिंग इरादे के साथ
इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल इनसे राबता करना है, इनसे रेट भी आप पूछ लें। सस्ता उमरा ग्रुप का हाफिज़ मोहम्मद साकिब मेरा नाम है, अलीट साकिब यूट्यूब चैनल है, मेरे तवस्सुल से भी इनसे पूछ लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल जितना हो सका सस्ता आपको पैकेज देंगे। फैसलाबाद से आसिफ जाट साहब हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि फैसलाबाद में अगर आपका कोई रिलेटिव है या आप फैसलाबाद के इर्द गिर्द रहते हैं या खुद फिजिकली चल के इनके ऑफिस में आ सकते हैं तो फिर आप इनसे राबता कर लें। 31 जुलाई को पूरा ग्रुप ये लेकर सऊदी अरबिया में जाएंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर की ज्यारत करेंगे, उम्रे करेंगे, इसके अलावा जो मक्का और मदीना पाक की ज्यारत हैं वो भी करेंगे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको ये गाइडलाइन भी देंगे। और यकीन कीजिए आप एक दफ़ा उम्रा पर इनके साथ जाएंगे तो आपको बार बार दिल करेगा उम्रा करने का। मुख्तसर सी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और आपके पास तकरीबन 30 दिन हैं, 30 दिन के 31 जुलाई को फ्लाइट है इनकी, तो 29 या 30 दिन है, इसीलिए आप अभी से आसिफ जाट साहब से राबता कर लें। हाँ अलबत्ता किसी बंदे का प्लान आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर आगे भी है तो वो भी आसिफ साहब से राबता कर लेता है, वो फिर जो नेक्स्ट ग्रुप इनका जाएगा उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। अलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई मसला है मुझे आप बताएं, आसिफ जाट साहब से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे राबता कर लें। मैंने नंबर आपको लिखा दिया है, बल्कि नंबर काफी ज्यादा स्क्रीन पे मैंने चला दिया है। आखिर पे एक रिक्वेस्ट है, नमाज कायम करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।